नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका अगेन स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियोस में जो 3 वीडियोस थी उसमें आपके 30 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो चुके थे आउट ऑफ 40, यानी कि 40 में से मैंने आपको 30 करवा दिए थे। लास्ट बचा था 10 मार्क्स का वीडियो। ये जो वीडियो है वो 10 मार्क्स की है, जो लास्ट 10 मार्क्स आपको करने पूरे कवर हो जाएंगे 40 मार्क्स। तो सुनो, 10 मार्क्स में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले टॉपिक का नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में से 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं आएगा, एक आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि कौन सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो 5 नंबर का आपको पूछा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाने को आएगा ही आएगा। दो साइड होती है, इनकम और एक्सपेंडिचर अमाउंट और अमाउंट। यहाँ पे सारी इनकम आएंगी और यहाँ सारे एक्सपेंडिचर आएंगे। क्या निकल के आता है क्लोज करते, अगर ये साइड बड़ी है तो यहाँ निकल के आता है सरप्लस, अगर ये साइड बढ़े तो यहाँ निकल के आता है डेफिशिएंट। ठीक है, इतनी सी बात है, लेकिन समझना क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। इसके अंदर कुछ चीजें ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पूछी जाती है, जिसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या पॉइंट पूछा जाता है, ये हेडिंग है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ऐसे कौन से पॉइंट पूछे जाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर को लिया जाता है। अगर करंट ईयर के अलावा किसी का आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है या आने वाले साल का, उसको नहीं लेते। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का पॉइंट पहला पूछा ही जाएगा आपके एग्जाम में कि भैया करंट ईयर या प्रीवियस ईयर दोनों दिए होंगे आउटस्टैंडिंग, तो किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है वो आपको पता ही होगा। फॉर्मूले के बेस में सिर्फ करंट ईयर लेते हैं आउटस्टैंडिंग का, प्रीवियस ईयर और आने वाले साल को नहीं लेते। ठीक है, उसको माइनस कर देते हैं। पहला पॉइंट तो ये आ गया एडजस्टमेंट में। दूसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इनकम का पार्ट हो गया वो भी, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का भी एक पॉइंट आ सकता है। उसमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, और उसमें कुछ मंथ भी काउंट करने को बोल सकता है वो, अगर पर एनम लिखा होगा तो उसकी डेट कंपेयर करना है। अगर लिखा ना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, क्या पता बीच की डेट दे दे, तो मंथ भी काउंट होंगे। थर्ड पॉइंट भाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी हो, जैसे वेजेस दिया हो, रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इसके बेस पे भी कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आ सकता है। सबको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं और प्रीपेड को क्या करते हैं। आउटस्टैंडिंग को हम प्लस करते हैं और प्रीपेड को माइनस करते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हो गए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बार बार पूछे जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन, जरूर आता है। डैप अगर लग गया किसी भी एसेट में तो खर्चे का पार्ट है वो, एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। या तो डैप पूछ लेगा किसी भी फिक्स एसेट्स में, या लैंड मशीनरी बिल्डिंग कुछ भी ऐसा पॉइंट दे सकता है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड बोल दे, बात एक ही एक्सपेंडिचर में आएगा वो भी, है ना। तो ये 4 पॉइंट पूछे जाते हैं किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए। 10 मार्क्स का पूरा होता है जिसमें से 5 नंबर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, कंफर्म हो गया 5 नंबर पूरे। उसके बाद आता है 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन और एक 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन। कभी कभी इस 2 नंबर में थ्योरी भी आ जाती है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है। तो 3-2-5 ऐसे हुए, कैसे होते हैं 3-2-5 सुन लो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 नंबर के। छोटा वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो आपको पूछा जाएगा कैलकुलेशन करो क्या अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यानी कि सब्सक्रिप्शन में जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट डालोगे वो कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें किस चीज को ऐड करना है, किस चीज को लेस करना है वो आपको पता ही है कि सब्सक्रिप्शन अगर दिया तो आउटस्टैंडिंग जो होता है अगर इस साल का है तो प्लस होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का है तो माइनस होगा। एडवांस में क्या करते हैं उसका उल्टा, अगर इस साल का एडवांस है तो माइनस कर दो, प्रीवियस ईयर का तो प्लस कर दो। ये सारी चीज तो पॉइंट आपको पता ही है, मैं बस बता रहा हूँ कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो इसको जरूर कर लेना सब्सक्रिप्शन वाला। फिर 2 नंबर में एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड, मेडिसिन के कॉस्ट निकालना होता है। इसके अंदर भी वही फॉर्मूले कि भैया करंट ईयर को ऐड करो और प्रीवियस ईयर को माइनस करो आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का बता ही दिया उसका अपोजिट। ये भी आ सकता है स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, ये भी 2 नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है। तो 3-2 ऐसे मिलकर 5 नंबर हो गए। भैया जो बोला है सिर्फ वही करना है, होने को ये चैप्टर इतना बड़ा है कुछ कहने की हद नहीं, और 10 नंबर का चैप्टर है, लेकिन हमें सारा कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ 2 चीज पढ़नी है। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर जिसमें 5 नंबर पक्के हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन कर जाओ जिसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये वाले पॉइंट्स दिए हो, बस ये 4 पॉइंट पढ़ने, इसके अलावा एक भी पॉइंट नहीं पढ़ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, एडजस्टमेंट का। दूसरा छोटे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पढ़ने और कोई नहीं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और ये मेडिसिन वाला, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो छोटे में, 2 नंबर में, 3 नंबर में सब्सक्रिप्शन वाला आएगा। तो 10 नंबर ये भी पूरे और इससे पहले 30 नंबर पूरे हो गए, 40 नंबर काम खत्म, क्वेश्चन पूरा खत्म, पूरा चैप्टर खत्म, और चैप्टर के साथ साथ पूरा एग्जाम खत्म। और कितने जल्दी, सिर्फ 10 दिन के अंदर। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ जितनी वीडियो मैंने बनाई है इसके बेस पे, 4 वीडियो बनी, 4 वीडियो को देख के जाओ
और जो क्वेश्चन बोले सिर्फ उस टाइप के क्वेश्चन कर दो, पूरा एग्जाम गया। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आग लगा। जितने क्वेश्चन बताए इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ सकता। जो वीडियो बोल रखा है उस वीडियो को देख लो, 40 नंबर पूरे हैं भैया, 40 नंबर इसी से आएंगे। कुछ नहीं करना, सिर्फ यही करना है, लगा दो आग।